हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों आज बात करेंगे हॉर्टिकल्चर पार्ट टू के बारे में। दोस्तों हॉर्टिकल्चर पार्ट वन का जो वीडियो है मैंने पहले अपलोड कर दिया है, तो दोस्तों आप पहले उसको जाकर जरूर देखें, तभी आपको पार्ट टू समझ में आएगा। दोस्तों उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों आज बात करेंगे फल और सब्जी उत्पादन का महत्व। तो दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं कि आपके दैनिक जीवन में फल और सब्जियों का क्या महत्वपूर्ण योगदान है आपकी लाइफ में। उससे पहले दोस्तों अगर आपने कैप्टन एग्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों नीचे रेड कलर का बटन दे रखा है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों हर एग्रीकल्चर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले हॉर्टिकल्चर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पार्ट वन में जैसा कि मैंने बता रखा है, दोस्तों हॉर्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत फल और सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, उसको कहा गया है दोस्तों हॉर्टिकल्चर। और दोस्तों जो हॉर्टिकल्चर है ये लैटिन वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हॉर्टस प्लस कल्चर। दोस्तों हॉर्टस का मतलब है गार्डन या फिर बगीचा और कल्चर का मतलब है खेती करना या कल्टीवेशन। तो कहने का मतलब है दोस्तों गार्डन में खेती करना या उद्यान की खेती करना, इसको कहते हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज की वीडियो में फल और सब्जी उत्पादन का क्या महत्व है। तो दोस्तों फल और सब्जी उत्पादन के महत्व मतलब है कि आपके दैनिक जीवन में आपको रोजाना कितने फल फ्रूट सब्जी और अनाज की रिक्वायरमेंट पड़ती है दैनिक जीवन में आपको, आपके दैनिक जीवन को जीने के लिए। तो दोस्तों फल और सब्जी उत्पादन के महत्व में सबसे पहला पॉइंट है अपने पास पोषण, न्यूट्रिशन। दोस्तों न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जो अपने को अपने शरीर के रिक्वायरमेंट एनर्जी के लिए जो अपने को चाहिए उन सबको कहा जाता है दोस्तों न्यूट्रिशन या फिर पोषण, न्यूट्रिशन। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद दोस्तों ये नई दिल्ली में है। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 1911 में। ICMR के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को अपनी पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 120 ग्राम फल, 300 ml दूध, 300 ग्राम सब्जियां व 300 ग्राम अनाज आदि की आवश्यकता होती है। दोस्तों एक इंसान को अपने एक दैनिक जीवन में एक दिन में उसको 120 ग्राम फल, 300 ml दूध, 300 ग्राम सब्जियां और 300 ग्राम अनाज की रिक्वायरमेंट होती है, ये ICMR का पॉइंट। मनुष्य शरीर को पोषण के लिए मुख्य रूप से पांच अवयवों की आवश्यकता होती है। दोस्तों जो मनुष्य का शरीर है इसको पोषण के लिए पांच अवयवों की आवश्यकता होती है मुख्य रूप से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। तो दोस्तों इन पांचों अवयवों के बारे में एक एक करके देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की आपको कितनी रिक्वायरमेंट पड़ती है, फैट कितना आपको चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, विटामिन कितना चाहिए। अवयवों में से पहला अवयव है अपने पास कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से अपने को क्या क्या मिलता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और दोस्तों इससे तुरंत ऊर्जा मिलती है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपका प्राथमिक स्रोत है एनर्जी का और इससे आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी शर्कराएं होती है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी मुख्य रूप से शर्कराएं होती है। तो दोस्तों जो शर्कराएं होती है कार्बोहाइड्रेट से बनी है, छह शर्कराएं होती है। छह शर्कराओं का नाम है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और सेल्युलोज। दोस्तों संसार में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली शर्करा है सेल्युलोज। दोस्तों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है इंसान को। और दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं, केला, आलू, शकरकंद, अरबी व मटर, काजू। दोस्तों काजू में 21% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मनुष्य को प्रतिदिन 2900 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के बाद जो ऊर्जा का स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है दोस्तों फैट। दूसरा ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों फैट। दोस्तों 1 ग्राम जो फैट होता है, 1 ग्राम जो वसा होती है, इससे 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, या बात करें एग्जैक्ट तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों 1 ग्राम फैट से। दोस्तों इसका वर्क है विटामिनों का अवशोषण करने का वर्क करती है दोस्तों आपकी बॉडी में, आपके शरीर में। दोस्तों बात करें इसके स्रोत की तो दोस्तों घी में 99% शुद्ध फैट पाया जाता है, शुद्ध वसा पाई जाती है। मेथी, धनिया, काजू, बादाम आदि में दोस्तों फैट मिलता है, फैट पाया जाता है। दोस्तों जो अखरोट है, अखरोट में भी 64.5% फैट मिलता है। दोस्तों फलों में सबसे ज्यादा जो फैट मिलता है अखरोट में मिलता है, 64.5% फैट मिलता है। दोस्तों वसा की कमी से इंसान का जो शरीर होता है दुबला पतला रह जाता है अगर इसकी कमी हो जाए तो, या फिर इंसान का वजन भी कम हो सकता है दोस्तों अगर फैट की कमी हो जाए तो इंसान के अंदर। और दोस्तों अगर इसकी ज्यादा मात्रा हो जाए तो दोस्तों आप सब जानते हो कि मोटापा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा तौल निकलने लगेगी।
तो दोस्तों आजकल आपने देखा भी होगा कि ट्रेंड में थोड़ा सा जो आजकल की लड़कियां हैं लड़के हैं ज्यादा खाते पीते नहीं है, उसका रीजन क्या है कि कहीं मेरा मोटापा बढ़ नहीं जाए, मोटा ना हो जाऊं, है ना। तो दोस्तों जो फैट है अगर इसकी कमी हो जाती है तो दोस्तों वजन में कमी आ जाती है, और अगर ज्यादा आपके फैट की मात्रा हो गई है तो दोस्तों आपके चर्बी बढ़ने लगेगी। दोस्तों प्रोटीन, दोस्तों प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर में, शरीर की कोशिकाओं ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक है दोस्तों प्रोटीन। दोस्तों देखते हैं प्रोटीन आपके हड्डियां दांत त्वचा नाखून बाल आदि के निर्माण में भी सहायता करता है दोस्तों प्रोटीन। और दोस्तों जो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है जो इसके स्रोत है शैवाल सोयाबीन और मांस। दोस्तों यहाँ से कई बार सोयाबीन से क्वेश्चन पूछा गया है कि सोयाबीन में कितना प्रोटीन होता है, तो दोस्तों इसमें 42% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और बात करें दोस्तों शैवाल में, तो दोस्तों शैवालों में 65% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और मांस में 22% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों जो प्रोटीन है आपकी संरचना बनाने में, ऊतकों को निर्माण में, कोशिकाओं के निर्माण में, और दोस्तों हड्डियां बाल त्वचा आदि सबके निर्माण में सहायता करता है। दोस्तों विटामिन, दोस्तों विटामिन जो है विटामिन की खोज की है लूनिन नामक वैज्ञानिक ने, और इसको प्रतिपादन किया है फंक ने। दोस्तों विटामिनों की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो दोस्तों कमी होने पर हमारे शरीर में कई रोग हो सकते हैं, इसीलिए दोस्तों विटामिनों को महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है मनुष्य के शरीर का। दोस्तों विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील। दोस्तों वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई और विटामिन के। दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है ए डी ई के जो है विटामिन है और ये वसा में घुलनशील विटामिन है। बात करें दोस्तों जल में घुलनशील या फिर एल्कोहल में घुलनशील, तो दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी। जल और एल्कोहल की जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनको एक एक करके देखते हैं कि जो विटामिन है पहला विटामिन विटामिन ए विटामिन ई विटामिन डी विटामिन के। तो दोस्तों ये वसा में घुलनशील विटामिन है, आप इनको कीड़ा से याद रख सकते हो, कीड़ा विटामिन के विटामिन ई विटामिन डी और विटामिन ए। तो दोस्तों एक एक करके देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अपन विटामिन ए को। दोस्तों विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है, और दोस्तों ये जो हरी पत्तीदार जो सब्जियां होती है उनमें पाया जाता है और दूध में पाया जाता है। दोस्तों दूध में कैलोरीन होता है, ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है आपके बॉडी में जाते ही, तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों दूध से भी अपने को विटामिन ए मिलता है, क्योंकि विटामिन जो ए है कैरोटीन की वजह से मिलता है और कैरोटीन दूध में मिलता है। शरीर में आवश्यकता होने पर दोस्तों तुरंत अवशोषित हो जाता है, अर्थात लीवर में जमा हो जाता है दोस्तों आपका विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं मानव में, तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आंखों में जलन, त्वचा शुष्क वो कुरकुरी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। दोस्तों बात करें इसके प्रमुख स्रोत जहां से अपने को विटामिन ए मिल सकता है, आम पपीता पीली गाजर व सभी पीले फल दूध धनिया मछली आदि से दोस्तों आपको विटामिन ए मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है पीली गाजर या पीले फल इसलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि दोस्तों इसमें केरोटीन की मात्रा पाई जाती है और केरोटीन जो होता है विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। विटामिन ए अपने पास वसा में घुलनशील विटामिन डी, दोस्तों विटामिन डी का नाम है दूसरा कैल्सिफेरॉल। और दोस्तों बात करें इसके उपनाम की, तो दोस्तों इसका उपनाम है सनशाइन विटामिन। दोस्तों सनशाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों जो विटामिन डी है सूरज से मिलता है, एक तरीके से आपकी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। दोस्तों होता क्या है कि जो सूर्य की धूप जैसे ही आपकी जो त्वचा है इस पर जैसे नीचे जाती है इसकी किरणें, और जस्ट इसके नीचे जो वसा की परत है उसको कन्वर्ट कर देती है विटामिन डी में। तो दोस्तों विटामिन डी का क्या काम है, सूर्य का प्रकाश त्वचा पर गिरने पर त्वचा के नीचे उपस्थित जो वसा है उसको कन्वर्ट करता है विटामिन डी में। तो दोस्तों आपको विटामिन डी सूरज से मिलता है, सूर्य की किरणें। दोस्तों विटामिन डी हड्डियों पर कैल्शियम की परत जमा करके उन्हें मजबूत करता है। दोस्तों विटामिन डी क्या करता है, जो आपकी हड्डियां है इनके ऊपर कैल्शियम की परत बना देता है और उनको मजबूत बनाने का काम करता है। दोस्तों इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। और दोस्तों इन तीनों रोग में क्या होता है कि जो हड्डियां होती है ये कमजोर हो जाती है या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसको कहा जाता है दोस्तों रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, पोरोसिस। दोस्तों इससे एक सूखा रोग भी होता है कि जब विटामिन डी की कमी आ जाती है शरीर के अंदर, तो दोस्तों इंसान का शरीर कमजोर हो जाता है, उसमें सूखापन आ जाता है। और दोस्तों बात करें इसके स्रोत की कि कहां कहां से आपको विटामिन डी मिल सकता है, तो दोस्तों विटामिन डी सबसे पहला पॉइंट अपने पास सूर्य की धूप से मिलता है।
होने वाली मछली के तेल से, जो मांस मछली वगैरह खाते हैं उनको भी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों मछली से तो मिलता है ना यार विटामिन, है ना। और जो हरी सब्जियां मशरूम वगैरह इन सबसे आपको विटामिन। अगला विटामिन है दोस्तों अपने पास वसा में घुलनशील विटामिन ई। और दोस्तों विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है, और दोस्तों इसको सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों जिसमें विटामिन ई की मात्रा ज्यादा होती है उसमें सुंदरता अधिक होती है, लड़कियों में विटामिन ई की ज्यादा मात्रा होती है, इसीलिए दोस्तों लड़कियां अधिक सुंदर होती है। विटामिन ई की कमी से दोस्तों पुरुषों में नपुंसकता रोग और महिलाओं में बांझपन रोग होता है, और दोस्तों इसीलिए इसको विटामिन ई को बंध्यता रोधी विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों विटामिन ई को बंध्यता रोधी और सुंदरता का विटामिन और टोकोफेरोल तीनों कहा जाता है। तो दोस्तों आप तीनों नाम को अच्छे से याद रखें, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन ई को क्या कहा जाता है, वहां पे हो सकता है कि ऑप्शन में आपको टोकोफेरोल मिल जाए या बंध्यता रोधी विटामिन मिल जाए या फिर सुंदरता का विटामिन मिल जाए। तो दोस्तों आपको अपने अकॉर्डिंग इसको सही करना है। और दोस्तों विटामिन ई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, कहां कहां से आपको विटामिन ई मिलता है? तो दोस्तों हरी पत्तीदार सब्जियों से विटामिन ई मिलता है, और दोस्तों जो गेहूं के दाने होते हैं उनके ऊपर जो छिलका होता है उससे भी आपको विटामिन ई अपने पास वसा में घुलनशील विटामिन के। और दोस्तों विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। दोस्तों कहीं पर आपको फाइलोक्विनोन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, फाइलोक्विनोन। दोस्तों इस विटामिन की कमी से क्या होता है कि जहां पर आपको चोट लगती है वहां रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, आपका रक्त बहता रहता है लगातार विटामिन के की कमी से। दोस्तों विटामिन के जो प्रमुख स्रोत है हरी पत्तीदार सब्जियां। दोस्तों हरी पत्तीदार सब्जियां में फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि, सोयाबीन, गाजर और दूध। जल और एल्कोहल में घुलनशील विटामिन की, तो दोस्तों जल और एल्कोहल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। इससे पहले दोस्तों अपने पढ़ाए वसा में घुलनशील। दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन को आप कीड़ा के नाम से याद रख सकते हो, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये चारों के चारों विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी और विटामिन सी एल्कोहल और जल में घुलनशील है। तो दोस्तों विटामिन सी की बात करते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, और दोस्तों ये घुलनशील है जल और एल्कोहल में। दोस्तों जो अधिक शराब पीते हैं, जो अधिक शराब का सेवन करते हैं, उनमें विटामिन सी की कमी हो जाती है, और दोस्तों प्रतिदिन शरीर में अधिक अवशोषण करने पर नष्ट हो जाता है विटामिन सी। दोस्तों जो खाद्य पदार्थ है उनको गर्म करने पर या उबालने पर उनमें जो विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों जो पत्ता गोभी वगैरह वाली सब्जियां हैं इनको आप सलाद के रूप में यूज कर सकते हो, सलाद के रूप में खा सकते हो, ताकि दोस्तों आपको उनके पूरे विटामिन सी, पूरा विटामिन सी आपको मिल सके, क्योंकि दोस्तों उनको गर्म करने से और उबालने से उनमें जो विटामिन वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। दोस्तों स्कर्वी में क्या होता है, जो आपके दांत होते हैं, मसूड़े होते हैं, इनसे खून आने लग जाता है, और इस रोग को कहा जाता है दोस्तों स्कर्वी रोग। दोस्तों विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है चेरी, बारबेंडेसिस चेरी, आंवला, अमरूद, नींबू वर्गीय फल या फिर खट्टे फल, इन सब में दोस्तों विटामिन सी की अधिक मात्रा होती है। तो अगला विटामिन है अपने पास जल और एल्कोहल में घुलनशील विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसकी बात करते हैं दोस्तों इसके सब विटामिन भी है। दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहला विटामिन आता है B1। दोस्तों B1 का नाम है थियामीन, और दोस्तों इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। दोस्तों इसके प्रमुख स्रोत है काजू, अखरोट और बादाम। दोस्तों विटामिन B1 की अगर कमी हो जाती है तो दोस्तों हृदयाघात की संभावना रहती है, कहने का मतलब हार्ट अटैक आ जाता है। अगला है दोस्तों विटामिन B2। दोस्तों विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, और दोस्तों इससे सौर या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं, किलोसिस हो जाता है, दोस्तों होंठ पड़ने लग जाते हैं, और दोस्तों इसके प्रमुख स्रोत है बेल पत्र, हरी सब्जियां और दूध वगैरह। अगला है दोस्तों विटामिन B3। दोस्तों विटामिन B3 का नाम है नियासिन, और दोस्तों इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है, और दोस्तों इसके प्रमुख स्रोत है हरी सब्जियां वगैरह। विटामिन B5। दोस्तों विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक, और दोस्तों इससे रोग होता है बर्निंग, इसलिए दोस्तों अंकुरण वाले अनाज खाने चाहिए, इसका प्रमुख स्रोत है अंकुरण वाले अनाज। विटामिन B6। दोस्तों विटामिन B6 का नाम है पाइरिडॉक्सिन, और दोस्तों इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, डेमटाइटिस हो जाता है। दोस्तों एनीमिया में क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है, और डेमटाइटिस मतलब होता है दोस्तों चर्म रोग हो जाता है, और दोस्तों इसके प्रमुख स्रोत है साबुत अनाज। अगला है दोस्तों विटामिन B7। दोस्तों विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है, और दोस्तों इसमें बाल अधिक झड़ते हैं, इसीलिए दोस्तों इंसान को दूध पीना चाहिए और उबला हुआ अंडा खाना चाहिए, इसके प्रमुख स्रोत है दोस्तों दूध और उबला हुआ अंडा। अगला है दोस्तों विटामिन B9। दोस्तों विटामिन B9 को फोलिक अम्ल कहते हैं, और दोस्तों इसमें भी एनीमिया हो जाता है, एनीमिया मतलब खून की कमी होती है। विटामिन B12 साइनोकोबेलोमाइन, दोस्तों इसमें भी एनीमिया रोग हो जाता है, और इनके प्रमुख स्रोत है हरी सब्जियां, दूध आदि। दोस्तों बात करें विटामिन पी की, तो दोस्तों विटामिन पी का नाम है निकोटिनामाइड, और विटामिन जो 17B17 है इसको दोस्तों एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में अपन ने चार अवयव की बात कर ली है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन। अगला अवयव दोस्तों अपने पास खनिज लवण, मिनरल्स।
दोस्तों मिनरल्स की अगर आपको वीडियो देखनी है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करना ना भूले, कमेंट करते रहे ताकि दोस्तों मैं आपके लिए एग्रीकल्चर की नई से नई वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आता रहूं। और दोस्तों अगर आप कैप्टन एग्रो चैनल पर नए हो तो दोस्तों नीचे रेड कलर का बटन दे रखा है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों हर एग्रीकल्चर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर डालें। दोस्तों जेरोफिटेलमिया किस रोग को कहा जाता है और ये किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। जो भी इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सही बताएगा, सही आंसर देगा, उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगली वीडियो में।